Hi guys, welcome back to the channel. सबको खूब सारा गुड मॉर्निंग. सो वी आर रेडी टूडे. बाकी टीम मेट्स भी रेडी हो रहे हैं फटाफट. फिर अपन जाने वाले हैं आज सनम वाटरफॉल और भाईया वाटरफॉल जो भी बोले. सो वी आर ऑलमोस्ट सेट. देखते हैं बाकी टीम मेट का है. हाय गाइस, सो हम लोग पहुंच गए हैं. आपके सबके चाहे थे बीस्ट के घर, बट समाओ अभी तक वो आए नहीं है. सबसे लेट हैं और सबसे ज़्यादा वेट वही करवा रहे हैं हम सबको. तो लेट्स सी वो कब आते हैं. एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, तो हम आपको बता देते हैं फॉर फ्यूचर ऑल्सो. आपको पता ही है वैसे तो स्ट्रीम में हमेशा लेट पर ही आता है वो, और आज भी वो हमेशा की तरह लेट है. हाय गाइस, सो वी आर ऑन द वे. ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि अभी हम लोग कहाँ पहुँचे हैं. एक इम्पॉर्टेंट चौक है, इसलिए सोचे कि आप लोगों को दिखा दें. इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप सामने से आओगे तो यहाँ पे एक पीछे दो रास्ता कटता हुआ दिख रहा होगा आपको. एक जो ऊपर चढ़ान की ओर जा रहा है स्ट्रेट सॉर्ट ऑफ, वो थोड़ा रिस्की है. उधर से नहीं जाना है हम लोगों को. यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है, याद रहे. ठीक है, लेफ्ट मुड़ना है और उसके बाद फिर सीधा सीधा जाना है. तो जब आप CIT मोड़ से पहले आएंगे तो आपको सबसे पहला चैलेंज रास्ते के मामले में यही होगा कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा. तो एक रास्ता है सीधे लेकर के जाता है थोड़ा सा, आपको उधर नहीं जाना है. आपको यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, तब आपको जाना है. अगर आप यहाँ पर आकर के अगर आप अपना गूगल ऑन करते हैं और आप चेक करना चाहते हैं, अगर नेट पर रास्ता देखने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा सा यहाँ पे कम मिले. और नेट पर रास्ता जो है वो सीधा बता रहा है सनम फॉल के लिए, जो रॉन्ग है. तो आपकी हेल्प करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं. तो आपको यहाँ से लेफ्ट लेना है और लेफ्ट लेकर के सीधे जाना है. आगे आपको एक चौक और मिलेगा डेंटल, जिसके बारे में हमने आगे एक्सप्लेन किया है वीडियो, आप आगे तक देखते रहिए. और उसके बाद एक लास्ट चौक मिलेगा जिसके बारे में भी हमने आगे एक्सप्लेन किया है. सो स्टे ट्यून्ड. हाय गाइस, सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं डेंटल कॉलेज चौक, जिसको बोलते हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, बिकॉज यहाँ से दो रास्ते कटते हैं. अगर आप सनम फॉल के लिए आ रहे हैं तो आपको यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाना है, और अगर आपको चुरनी फॉल जाना है तो आपको यहाँ से सीधा एकदम चलते जाना है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप गूगल पे डाल के आ रहे हैं सनम फॉल, तो आपको रास्ता सीधा दिखाएगा. ठीक है, बट आपको लेफ्ट मुड़ना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना. ठीक है, और आगे जब आप वीडियो देखिएगा तो आगे वीडियो में जिस चौक का जिक्र हमने किया है, जिस चौक के बारे में बताया है, वहाँ पे इस चौक के बारे में बताना हम थोड़ा सा भूल गए हैं. तो आगे अगर आप वीडियो देखते हैं तो इस चौक को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप CIT से जब आप राइट लेकर के आते हैं तो आपको तीन ऐसा चौक मिलेगा. एक चौक और है जिसके जिक्र हमने पहले अभी जस्ट वीडियो में पहले किया, उसके बाद ये चौक आता है जिसको डेंटल चौक आप बोल सकते हैं. यहाँ से भी आपको लेफ्ट लेना है, और जब यहाँ से आप लेफ्ट लेकर के जाएंगे तो आगे उस चौक के बारे में, हाँ वहाँ से आपको फिर राइट लेना है. उस चौक के बारे में हमने आगे वीडियो में आपको बताया. तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं. चलिए चलते हैं. तो जब आप CIT मोड से टर्न करेंगे, जब आप वहाँ से राइट लेंगे, तो आप जिस रास्ते पे आएंगे थोड़ा कच्चा रास्ता आपको मिलेगा, आप वहाँ से आगे आते जाइए.
रास्ता जैसे जा रहे हैं आपको बस वैसे जाना है, आगे आपको रास्ता जो है वो दो भाग में क्रॉस करता हुआ मिलेगा, तो वहाँ पे आपको फिर से अगेन लेफ्ट लेना है। ये आपको ध्यान रहे, एक रास्ता आपको सीधा जाता मिलेगा और वो एक रास्ता लेफ्ट आता मिलेगा। जब आप उस रास्ते में लेफ्ट लेंगे तब ये रास्ता आपको इधर से ऐसा आता हुआ दिखेगा और ये चौक है, ये चौक, ये समझिए आपका आखिरी चौक है। यहाँ के बाद आपको यहाँ से राइट की तरफ मुड़ जाना है। ये चौक है, यही आपको वो सनम फॉल तक ले करके जाएगी। इस चौक को ध्यान में रखें, याद रखें यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, अगर आप देखते हैं बहुत प्रॉपर अच्छे से, मतलब ऐसे लोगों ने लोकली लिख दिया यहाँ पे। अगर आपको चुटनी फॉल की तरफ जाना है तो आपको अगेन इधर जाना होगा जिधर से हम लोग आ रहे हैं, और जब आपको जाना है सनम फॉल की तरफ तो वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, अप्रोक्स 4 किलोमीटर लिखा हुआ है मेरे दोस्तों। लेकिन ऐसा है कि रोड जो है आपको वो बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, इसलिए आप जब भी आए टू व्हीलर से आए और आप आराम से फॉल तक जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लोहार घाट भी यहाँ पे कहते हैं इसको, और भैया फॉल भी कहते हैं और सनम फॉल भी कहते हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर अंदर है, ठीक है, और अंदर राइट साइड में जो है ये है करीब 3 किलोमीटर चुरनी फॉल यहाँ से। थैंक यू। सो हाय गाइज, पहुंच गए हम लोग सो कॉल्ड सनम फॉल। बहुत ही मुश्किल से रास्ता पता चला है, हालांकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए हम लोग बताएंगे आपको पूरा बढ़िया से रास्ता। तब तक आप लोग मिलिए हमारे नीरज भैया से। हाय गाइज, तो नीरज भी हम लोग को समझाएंगे पूरा रास्ता कि कैसे क्या है कार्यक्रम। देखिए, जहाँ तक सनम फॉल की बात है, बहुत ही यूनिक जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, अभी सरकार का काम चल रहा है। ये पूरा कच्चा रास्ता है, ठीक है, गाड़ी आपको यहाँ आने के में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए गाड़ी लाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। टू व्हीलर लाइए, फोर व्हीलर मत लाइए, गाड़ी को खड़ा कीजिए, ठीक है, आप वहाँ से वॉकिंग पे आइए, ठीक है, वॉकिंग पे आइए, आपको कच्चा रास्ता से दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग जैसे ही कच्चा रास्ता पकड़ते हैं, आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा एक बहुत ही पतला रास्ता, जिसमें आप लोगों को सावधानी से चलना भी पड़ेगा। इसीलिए शूज पहन के आइए, कोई भी स्लीपर्स वगैरह पहन के मत आइए, सेफ्टी अपने साथ रहिए और स्पोर्ट्स शू बहुत जरूरी है। करेक्ट, आप यहाँ पे अगर फैशन शूज पहन के आएंगे तो आप बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए, प्रॉपर ट्रेकिंग टाइप का आपको फील आने वाला है। बिल्कुल, थोड़ा शॉर्ट ट्रेकिंग रहेगा बट बहुत ही जबरदस्त घना जंगल है, मजा आने वाला है हम बता रहे हैं आपको। और ये जो जगह है आप देख रहे हैं, जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि फॉल कहाँ पे है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। जब आप कंफ्यूज होंगे तो आप समझिएगा फॉल पे पहुंच चुके हैं। हाँ बिल्कुल, ये पूरा कंफ्यूजन वाली जगह है और आप जैसे ही पहुंचेंगे आपको लगेगा कि बस यही फॉल है और आपका थोड़ा सा मन उदास होगा, लेकिन आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आगे बढ़िए, पैदल चलिए, थोड़ा ट्रेकिंग का मजा लीजिए और उसके बाद आप फॉल पे पहुंचे। तो हम लोग अपना ट्रैकिंग अभी जो शुरू करते हैं, है ट्रैकिंग, जिसको हम लोग ट्रैकिंग नाम दिए क्योंकि ये एज इट इज ट्रैकिंग है। आप जैसे जैसे चलते जाओगे आपको ऐसा फील आएगा कि कितना चलना है, कितना चढ़ना है, कितना उतरना है, ठीक है, तो आप अभी ट्रैकिंग का मजा लीजिए, उसके बाद हम लोग फॉल के बारे में भी आपको बताएंगे। और बहुत ही नेचुरल है, तो मेरे हिसाब से कोविड के टाइम पे आपको आने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है। बाकी अभी दिखाते हैं फिर मजा आएगा। चलिए, चलिए चलिए। हाय गाइस, तो मिलिए हमारे टीम से, टीम के एक जबरदस्त मेंबर, ये हमारे टीम के सारे डिजाइनिंग एंड ऑल बहुत ज़्यादा देखते हैं, हालांकि बहुत बार हम भी बनाते हैं थंबनेल्स वगैरह, लेकिन जब तक कुछ अच्छा नहीं होता है चाहिए रहता है
तब तक ये आ जाते हैं। नहीं, नहीं, ऐसी अच्छा कोई बात नहीं है, अंकित भी बहुत अच्छा डिजाइन बनाता है। खैर, हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं बाया फॉल सनम फॉल, ठीक है। सो दिस इज द बाया फॉल सनम फॉल। अफसर भाई बताएंगे आपको थोड़ा सा बाया फॉल के बारे में। बाया फॉल का ऐसा है कि जब आप शुरुआत में आएंगे, जब आप टर्निंग लेते हैं मेन रोड से, तो फिर रास्ता आपको धीरे धीरे कच्चा मिलने लगता है। जब आप और आगे आएंगे तो शायद इंटरनेट पे जो रास्ता बताया है वो थोड़ा सा आगे जाकर के बंद है, तो आपको वहाँ टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप वहाँ से बैक आइए और फिर वहाँ से एक रास्ता जो है बाएँ की तरफ घूमता है, राइट लेफ्ट की साइड, और आप उधर आ जाइए। और किसी से भी आप पूछिएगा, यहाँ पे लोग जो थे वो बहुत हेल्पफुल हैं, जो भी यहाँ पे रहते हैं, जो भी यहाँ पे लोकलाइट्स हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। आप किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपको एकदम एग्जैक्ट रास्ता बता देंगे कि आप किधर जाएँ। वही है कि रास्ता थोड़ा सा अभी मैनेजमेंट उस तरह का नहीं है, रास्ता अभी थोड़ा सा कच्चा है। आप फोर व्हीलर लेकर ना आए, टू व्हीलर लेकर के आए, आप आए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा एक बार। लेकिन इस जगह पे सबसे इम्पोर्टेंट कि बहुत ही शांति है, क्राउड नहीं है बहुत ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा शांति भरा मिलेगा। तो हाय गाइस, इस एंगल से अगर आप देखिए फटाफट एकदम जबरदस्त आ रहा है। ये वाला जो एंगल है यहाँ से बहुत ही जबरदस्त व्यू आ रहा है इस फॉल का, एकदम पूरा बाली वाला फील आएगा आपको। और थोड़ा बहुत आप भींग भी सकते हैं क्योंकि हल्का हल्का रेनिंग टाइप का भी फीलिंग आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एकदम डेंजरस नहीं है, बहुत ही छोटा सा है, तो मज़ा आने वाला है भाई। तो हमें मिले हैं एक चचा जो कि हमें बताएंगे कि इस फॉल का फ्यूचर क्या है। चचा बहुत मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुरा बहुत अच्छा रहे हैं। मुस्कुराते रहेंगे। बताइए चचा, इस फॉल में हम लोग 1989 से सोच रहे थे। 1989 बोले तो 1989 से फॉल के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन कोई खोज नहीं पाया। उसके बाद हम लोग इसको आज से एक साल पहले से हम लोग इसका कंप्लीट करके इसको भेजे, तब अंतिम में सब कुछ आया। अंतिम में इसका नाम सनम फॉल रखा गया। सनम फॉल तो इसका नाम काहे रखा गया? तो यहाँ जिसका जमीन है वो बोला कि हमारा दुबराज नाम है, हमारा दुबराज नाम बहया सनम फॉल का नाम से रखिए, उल्टा आप लोग मत रखिए। तो सब कोई विचार किया कि ठीक है, कागज पत्र होना चाहिए, सब कागज पत्र यहाँ दर्शाया गया। तो बोला ठीक है, जो यहाँ दुबराज सनम फॉल है उसको हम लोग 2001 में फरवरी 7 तारीख को उसका फोटो के साथ ऊपर में उसका लगाएंगे। बहुत बढ़िया। हाय गाइस, सो एक लेटेस्ट अपडेट है कि एक जबरदस्त रायता फैल चुका है यहाँ पे। हम लोग अपना जो ड्रोन कैमरा था उसको कहीं पे टकरा दिए हैं, वो बाय मी हुआ है, ठीक है, कहीं क्रैश किया है। और उसके बाद हमारे जो बीस्ट बाबू हैं, अफसर भाई हैं, डिजाइनिंग एक्सपर्ट, बैठ के उस पे लगे हुए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। अफसर भाई समझाएंगे हमें कि क्या हुआ है ड्रोन के साथ, बताइए। ये एक्चुअली ड्रोन ऐसा हुआ कि जब उड़ रहा था ऊपर तो पेड़ में टकरा गया बाय मिस्टेक, और गिर गया है और क्रैश कर चुका है। और उसका ये वाला जो पोर्शन है, ये जो दिख रहा है आपको, ये उस साइड से टूट गया है, उस साइड से टूट गया है। ये वाला हमारा जो पोर्शन है ये टूट गया है, और ये जो है ये गिर कर कुछ ज़्यादा ही चोटिल हो चुका है इसका हाथ, और ये उल्टा मुड़ चुका है। तो क्या लगता है आपको कि ये ठीक हो पाएगा या? अभी तो खोलने की कोशिश कर रहे हैं इसे, उसके बाद देखिए पता नहीं क्या होता है, पर उम्मीद तो है कि ठीक हो जाएगा। अफसर भाई को पूरी उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा, हमको भी है, क्योंकि हम उम्मीद छोड़ना नहीं चाहते हैं, उम्मीद छोड़ने से बहुत ज़्यादा नुकसान है। तब तक हम लोग फॉल का मज़ा लेते हैं। तो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग? हादसा तो हो गया लेकिन आ गया, बोलते बोलते थक गया वो। जबरदस्त चढ़ान था ये, ठीक है।
5 मिनट का था, लेकिन ऐसा था कि हालत ख़राब हो गया है, सबका सांस फूल गया है। आई विल हाईली रिकमेंड कि जो भी आए अपने साथ ड्रिंकेबल ज़रूर लाए। और भाई स्टेमिना बना के आए, भाई स्टेमिना बना के आए। 5 मिनट का ही है लेकिन ज़बरदस्त है, अच्छा खासा है भाई। अपने लैंग्वेज में बोल नहीं सकते, नहीं तो हम लोग की वाट लग चुकी है 5 मिनट। बाय द वे फॉल वॉज वेरी गुड, तो फॉल के लिए तो आपको फोटो भी दिखाया है, ये वीडियो भी हम लोग डालेंगे ही। और एक और चीज़, यहाँ पे आसपास में खाने का कोई भी बंदोबस्त नहीं है, तो आप जब भी आए तो अपने साथ कुछ खाने का लेकर के आए, और पानी जरूर लेकर के आए, क्योंकि उसकी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। एनर्जी ड्रिंक्स कैरी करें, बूस्टर्स कैरी करें। तो ठीक है गाइस, सुन लो, बच्चों के साथ ना आए, बच्चे बच्चों के साथ ना आए, और बच्चों के साथ आए तो उनका प्रॉपर ख्याल रखें, ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, बहुत अभी डेवलप सही से हुआ नहीं है, बाय टाइम डेवलप होएगा। और हम लोग नहीं जानते इसका फ्यूचर क्या है, लेकिन अभी जहाँ तक है हम यही सजेस्ट करेंगे कि बच्चों को लेके नहीं, कोशिश कीजिए कि ना आए। और नो डाउट ब्यूटीफुल है बहुत, आपको बहुत ही सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज दिखने मिलेगी यहाँ पर, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल दिखेगा, कलरफुल पूरा एनवायरनमेंट है, ग्रीनरी देखने मिलेगी। लेकिन वही है कि डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए आपकी हालत ज़्यादा ख़राब होगी कंपेरेटिवली। ठीक है गाइस, ये हमारा वीडियो था गाइस, वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और एक चीज़ और, आप लोग शेयर करेंगे तो ही जाके ये क्राउडेड होगा, क्राउडेड होगा तो ही डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा तो ही हम लोग को फ़ायदा होगा। और गाइस, आप लोग को अगर चाहते हो कि कहीं और किसी और प्लेस का हम लोग शॉट करें, शूट करें, तो आप बताओ, ठीक है, उसको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या क्या आप चाहते हैं, कैसा कैसा वीडियो हम लोग चाहते हैं। वी विल ट्राई टू फुलफिल योर ऑल द रिक्वायरमेंट्स। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टाटा टेक, बाय गाइस, साइनिंग ऑफ। You're the one who can make me happy.